Danny, it's Papa. पानीपत शहर के कृष्णपुरा क्षेत्र में रहने वाले प्रदीप पांडे की लड़की प्रदीप्ता बचपन से ही बीमारी की वजह से बहुत कम बोल पाती थी, जिससे परिजनों ने अपनी बच्ची का इलाज अनेक स्थानों पर करवाया, पर बच्ची सही तरह से फिर भी नहीं बोल पा रही थी। वहीं परिवार की आर्थिक हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वे अपनी बच्ची का महंगा इलाज करवा सके। वहीं लड़की के पिता प्रदीप पांडे कुछ माह पहले अपनी बेटी को लेकर शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी व भाजपा नेता सुरेंद्र रेवड़ी से मिले और बच्ची के इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई। विधायक रोहिता रेवड़ी ने लड़की के इलाज के लिए 51,000 रुपये देकर आर्थिक रूप से मदद की और खानपुर PGI में भी लड़की के इलाज के लिए फोन किया। विधायक रोहिता रेवड़ी के प्रयासों से 11 वर्षीय लड़की प्रदीप्ता अब काफी हद तक बोलने लगी है। पिता प्रदीप पांडे वीरवार को अपनी बेटी को लेकर सेक्टर 12 स्थित विधायक रोहिता रेवड़ी के आवास पहुंचे और विधायक रोहिता रेवड़ी व भाजपा नेता सुरेंद्र रेवड़ी का आभार व्यक्त किया। वहीं विधायक रोहिता रेवड़ी ने लड़की को मिठाई खिलाकर व स्कूल बैग देकर उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इसके अलावा विधायक रोहिता रेवड़ी ने आश्वासन दिया कि यदि लड़की के इलाज के लिए और भी मदद की जरूरत पड़ी तो वे मदद जरूर देंगी। लड़की के पिता ने बताया कि प्रदीप्ता बचपन से ही बीमार थी और अब काफी हद तक बोलने लगी है और अब उसे पढ़ने के लिए नर्सरी कक्षा में दाखिला कराया जाएगा। तो पोयम कौन सी आती है आपको? यहाँ पे हम मैम से मिलने आए थे, उन्होंने हमारी आर्थिक मदद करी थी। हमारी लड़की काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी, इसको अनमेच्योर बेबी है, इसलिए इन सब ने हमारी बड़ी आर्थिक मदद करी है मैडम जी ने। भगवान करे इनकी तरक्की हो। और इन लोगों ने हमारी बच्ची बोल नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, इन लोगों ने मदद करने की वजह से हमारी लड़की का बहुत अच्छा इलाज हो सका है। अभी भी इलाज जारी है, मैम का सहयोग बना रहेगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप पांडे है। बोलने में असमर्थ थी, तो इस तरह के बारे थोड़ा बताइए, इसके पिताजी ने बताया जैसे। ये बच्ची हमारे पास आज से तकरीबन साल पहले आई थी और उस समय ये बोल नहीं पा रही थी, इसका इलाज चल रहा था। और हमारी सरकार जिन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही बेटियों को बचाने का ये जो नारा दिया था, उस नारे के तहत हमने इस बिटिया का इलाज कराया और हर संभव कोशिश कि ये अपनी जबान बोल पाए और लोगों को समझा पाए, अपने भाव सबके सामने रख पाए, इस कोशिश में हमने इनके पिता का साथ दिया है। और आज ये बिटिया मुझसे मिलने आई है और बहुत अच्छे से बोल पा रही थी, उसने कविता भी मुझे बोलकर दिखाई है। तो मैं अपनी तरफ से बहुत छोटी है तो ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी कि इसी तरह ये हंसती रहे और आगे बढ़ती रहे।